Hey guys, it's Addison Ray. Okay, we are now live on Facebook. I'm muting everyone except those who have to speak. They can unmute themselves. Gohar, you can begin. दोस्तों रक्स मैं तेज करो साज की लय तेज करो सुए मैं खाना सफीरा ने हरम आते हैं रात को 12 बजे अनहद ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को शायद जगा दिया एक बार कि म्यूजिक मौसीकी और ये कला इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए कितनी जरूरी है। खास तौर से कोरोना के इस दौर में जब हमको सबसे ज्यादा शायद जरूरत इसी बात की है कि हम मौसीकी में अपने को ज्यादा से ज्यादा डुबो करके रखें। जो हालात पैदा हुए हैं मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर शायद इंसानों को इस वक्त मौसीकी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो कलाकार हैं जो मौसीकी पैदा करते हैं जो म्यूजिक पैदा करते हैं हमारे लिए समाज के लिए उनको भी कोरोना ने एक हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया। और ये हाशिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसमें वो अपनी मौसीकी के साथ जो ताल्लुक था वो टूटा है बल्कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। वो समाज में ऐसी चीज नहीं पैदा करते जिसका लेन देन हो सके। उनकी जिंदगी का हिस्सा उनकी ऑडियंस होती और ये ऑडियंस अगर सामने से चली जाए तो कलाकार जिंदा नहीं रह सकता। तो कला और जिंदगी कलाकारों की दोनों को कोरोना के इस भयानक दौर ने खतरे में डाल दिया है। ऐसे वक्त में उन लोगों का काम था जिन्होंने समाज को चलाने की जिम्मेदारियां ले रखी थी कि कलाकारों पर नजर डालते उनकी परेशानियों को समझते और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते। लेकिन हमें दिखाई देता है कि जब वो गंगा में बहती हुई लाशों का ख्याल नहीं रख रहे तो जिंदा कलाकारों का ख्याल क्या रखें। और ऐसे में जरूरत है इस बात की कि हम में से जितने लोग उठ सकें कला और कलाकारों को बचाने के लिए वो जरूरी होगा मानवता को बचाने के लिए। मैं ये समझता हूं कि विज्ञान का तालिब इल्म होने की वजह से शोर और मौसीकी म्यूजिक और नॉइज इसके फर्क को समझना बहुत जरूरी है। म्यूजिक में हार्मनी होती है खूबसूरती होती है रिपीटेबिलिटी होती है और एक ऐसा माहौल पैदा होता है जो न सिर्फ हमारे दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है हमारी सोच के स्तर को ऊपर ले जाता है बल्कि हमारे जिस्म के ऊपर भी उसका एक पॉजिटिव असर होता है। और दूसरी तरफ शोर का मतलब यह है कि उसमें रिपीटेबिलिटी ना हो वो एक ऐसा असर पैदा करे जिसमें आदमी परेशान हो जाए। और ये नॉइज हमारे समाज में पिछले कुछ सालों से बड़ी तेजी से बढ़ी ये शोर बहुत तेजी से बढ़ा है और ये शोर हर तरह का है।
हर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम कला, म्यूजिक, मौसीकी, इनसे उन स्पेसेस को रिक्लेम कर सकें जिनको शोर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अनहद बहुत सारी चीजों की शुरुआत और लोगों से थोड़ा पहले कर देता है। मेरे ख्याल में आज की शाम भी एक ऐसी शुरुआत होगी जिससे और लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो अगर फिजिकल स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तब भी साइबर स्पेसेस का इस्तेमाल करके मौसीकी को लोगों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें। टेंशन के इस दौर में जब लोग अपने घरों में बंद हैं हम सब कलाकारों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनके साथ अपनी मौसीकी को, अपनी आवाज को लेकर खड़े हों। आज जो तीन कलाकार हैं मेरे ख्याल में उन तीनों के लिए साहिर लुधियानवी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उनको सुन के हमेशा ही ऐसा लगता है कि यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे। तो पहला शोक सितारा वेदी, हम सब बेचैन हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। ये आवाज जब तुम बंद कर देती हो तब भी देर तक कानों में गूंजती रहती है। वेदी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है कि ऐसा समय है कि बहुत उस चीज की कमी कुछ ज्यादा खलती है कि साथ बैठ नहीं सकते, बातें बांट नहीं सकते। और जैसा मैं अभी गौहर सर को कह रही थी कि बांटने में भी ऐसा है कि टेलीफोन पे बात होती है तो शब्द नहीं होते, वीडियो पे बात होती है तो भी शब्द नहीं होते। तो आज तो बहुत परफेक्ट दिन है क्योंकि शायद मैं शब्दों के बिना बस गानों के आड़ में निकल पाऊंगी, अपनी बात कह पाऊंगी। तो आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट वी आर ऑल हियर टुडे। इट गिव्स a strange sense of comfort in finding these people and meeting them and seeing them. I think the strength that we all need to say what we have to say, to keep standing, to keep moving forward, ye strength mujhe is space se aksar mili hai, in logon se aksar mili hai, to uske liye bahut bahut shukriya. Aur iske sath main और बोलने की जगह गाने से ही आगे बढ़ती हूँ। आज मैं शायद कुछ गाने मिस कर जाऊं जो पसंद के हों, लेकिन कुछ बातें ऐसे ही बांटना चाहती हूँ और मन था कि हल्के हल्के बांटें। तो आशा करती हूँ कि आप इन गानों से उस तरह जुड़ पाएंगे जिस तरह मैं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। का बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान, क्योंकि बिखरी
प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसत में अब जान। हाँ देखो साथी राजा लगाए, हाँ देखो साथी राजा लगाए। जे दिन दाज गिरी साथी, जे दिन दाज गिरी दूजे ते सांसद में थी जान। सांसद में थी जान, हाँ लेकिन उस दिन सुन पड़े थे कान, हाँ लेकिन उस दिन सुन पड़े थे कान। जे दिन गाज गिरी घर भीतर, जे दिन गाज गिरी घर भीतर, याद आए भगवान। हाँ भैया क्योंकि सांसद में जान, हाँ भैया क्योंकि सांसद में माया मन का मंदिर घंटा, सबका बड़ा है ज्ञान। ओ बोलो साथी कौन बचाए जान। अब जो जनता रोए राजा, कोट में छुपा छुप जाता है। आपा जब वो खोए हर जे पर दोष लगाता है। किस से पूछे किस से कहे राजा, तो खेल में है। याद करो राजा से पहले हम थे अब भी हम हैं। साथी हम थे अब हम हैं, साथी हम थे अब भी हम हैं। माया मनता मंदिर घंटा, सबका बड़ा है क्या। तो बोलो साथी कौन बचाई जा, क्योंकि बिखरी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसद में अब जान। हाँ देखो साथी राजा लगाई जान, हाँ देखो साथी राजा करे ऐलान, हाँ देखो साथी राजा लगाए ऐलान। तो जैसा मैंने वादा किया था मैं कम बोलूंगी और गाने पे फोकस करूंगी। तो म्यूजिक या म्यूजिक क्यों, कोई भी आर्ट फॉर्म मेरी समझ में सबसे ज्यादा जरूरी एक्सप्रेशन के लिए है। और अक्सर मैं अपने जवाब और अपने सवाल अपने ही म्यूजिक में कुछ समय बाद पाती हूँ।
तो इसकी खूबसूरती ये है कि कभी कभी आप खुद भी नहीं जानते कि आप खुद को कुछ बता रहे होते हैं। ऐसा ही एक गाना आपके साथ अगला बांटती हूँ, आप में से कुछ ने शायद सुना होगा। संगी साथी आई गाए जित गाए जो जित गाए जो संगी साथी हारी गाए जीत गाए जो जीत गाए जो जीत गाए जो देखा झलावा दौड़ते ही जाए कटा मारा कबाड़ाए आई न हो संगी साथी हार गाए जीत गाए जो जीत गाए जो मंदिर बाटा मस्जिद बाटी बाटे धारमी माँ एक ही चलाए जग को ये तो सारे ना तीत लगाने में ना कोई ध्यान लगाए लाख गिरे बाटे मानी बाटे गाए मन बाटे गाए कटा मारा कपाराए संगी साथी हारी राए जीत राए जो जीत राए जो जीत गाए जो जीत गाए जो तो हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि चोर जीत गए और हम हार गए, लेकिन ये भी समझ आता है कि अल्टीमेटली ये जो लोग आज जुड़े हैं और ऐसे ही लोग जो जुड़ते रहते हैं प्यार के लिए एक दूसरे के साथ के लिए, उन्हीं के साथ धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आगे चलना है। रियलाइज होता है कि हो सकता है आज कल परसों बदलाव ना आए, लेकिन फिर ये तसल्ली होती है कि साथ मिलके शायद धीरे धीरे कुछ सालों में हम ये बातें नहीं कर रहे होंगे, कुछ और बातें कर रहे होंगे प्यार की। अरे रात भारी और सांझ सवेरे रात भारी और सांझ सवेरे पता लगी है तारा संगी डूबे आंगन सारा सती
डूबे आंगन सारा, चूल्हा डूबे दूल्हा डूबे, डूबे मेरा एक तारा, हाँ जी डूबे मेरा एक तारा, मैं डूबू मेरा साथी डूबे, डूब रहा जग सारा, हाँ जी डूब रहा जग सारा। अरे रब बोली और सांझ सवेरे बादल लगी रे कारा, सखी डूब रहा जग सारा, लागे डूब रहा जग सारा, कत ढूंढू मैं नाव ना नाव एक, कत मैं ध्यान लगाऊं, हाँ जी कत मैं ध्यान लगाऊं, सूख जाए जो बादल ऐसा, कैसा तर्क बिठाऊं, हाँ जी कैसा तर्क बिठाऊं, अरे रात भोरी और सांझ सवेरे बादल गिरे तारा, सखी डूब रहा जग सारा, ना मैं बादल ना मैं बरखा, किस पे जोर चलाऊं, हाँ जी किस पे जोर चलाऊं, जोर है केवल खुद पे साथी, अपना हाथ बढ़ाऊं, हाँ जी अपना हाथ बढ़ाऊं, अरे साथी जोड़े काठ काठ, मैं पल्ला साथ लगाऊं, हाँ जोर है केवल खुद पे साथी, अपना हाथ बढ़ाऊं, अरे रात भारी और सांझ सवेरे बादल गिरे कारा, अभी साथ नहीं है हारा, विश्वास नहीं है हारा, सखी साथ नहीं है हारा, विश्वास नहीं है हारा, अभी साथ नहीं है हारा, विश्वास नहीं है हारा। तो अब बस अपनी बात को विराम देने के लिए एक आखिरी गाने को की छोटी सी कितका छोटा सा हिस्सा आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। ये गाना हालांकि लिखा मैंने कुछ साल पहले था, लेकिन अभी कुछ समय पहले जहाँ पे इस गाने पे काम हुआ था वहाँ कुछ बातचीत हो रही थी, एंड वी जस्ट रीविजिटेड द सॉन्ग, एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट व्हेन यू रीविजिट समथिंग यू री रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस वाज वन सच सॉन्ग। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये बांटते हुए विदा लूं। तो आओ साथी आओ साथी आओ साथी आओ साथी, और मिलके हाथ बढ़ाओ साथी, बाकी सब है अनजानो, अरे मिलके हाथ बढ़ाओ साथी, आओ बनाए ठोर ठिकाना, आओ साथी आओ साथी आओ साथी आओ साथी, ईटा माटी ढो ढो करके शहर गांव सब रूप लिया है, हाँ ईटा माटी ढो ढो करके शहर गांव सब रूप लिया है, ढोने वाला हाथ जो सूजा हाथ साथ का छोड़ दिया है, हाथ साथ का छोड़ दिया है, आओ साथी आओ साथी आओ साथी आओ साथी, जग को पहले रखने वाले देखो ये जग तो आंधा पड़ा है, अरे जग को पहले रखने वाले देखो ये जग तो आंधा पड़ा है, मैं डूबा जग भैया, हाँ मैं डूबा जग भैया, स्वर्ण का रंग हर ओर चढ़ा,
जाना, अरे आओ साथी आओ साथी आओ साथी, बुन बुन कपड़ा दूजे का जाड़े को उससे दूर किया है, अपने लिए आया बुन लिए साथी, तुमको भी दे जो सबको दिया है, हाँ खुद को भी दे जो सबको दिया है, आओ साथी आओ साथी आओ साथी आओ साथी, मिलके हाथ बढ़ाओ साथी, आओ बनाए घर ठिकाना, मिलके हाथ बढ़ाओ साथी, बाकी सब है आना जाना, अरे आओ साथी 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 आओ साथी। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं विदा लूंगी कि बस ये साथ बना रहे और प्यार बना रहे और याद रहे रोज कि हम सब साथ हैं, तो ये याद रखने में आसानी होगी कि बदलाव भी दूर नहीं है, बदलाव भी जल्दी आएगा। थैंक यू सो सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड टू एवरीबडी हु इज हियर, and thank you Gaur sir and Shabnam ma'am for always doing such wonderful things. Bahut shukriya, bahut khoobsurat awaaz mein, bahut khoobsurat gaya tumne. Ye 15-20 minute kaise phisal gaye haath se pata hi nahi laga. Jahan waqt ruka hua ho wahan मौसीकी उसे जिंदा बना देती है, और इसीलिए जैसा मैं कह रहा था बहुत जरूरत है इस वक्त हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए मौसीकी की। दिल्ली में एक बुलंद आवाज है मनु कोहली की। मनु के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, मेरी बेटी। शुरुआत यहां से कर, मनु प्रोफेशनली हमने बहुत कोशिश की कि गाने की तरफ धकेल दें उन्हें किसी सूरत से, वो हमेशा नाकामी की तरफ उन्होंने वापस हमें धकेल दिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि मनु से किसी एजिटेशन में चलने के लिए, किसी मकसद के गाने के लिए मैंने, शबनम ने या अनहद ने कभी कहा हो और मनु की तरफ से ये जवाब आया हो कि मैं बिजी हूं या मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं गा सकती। आज का प्रोग्राम शायद मनु की आवाज के बिना पूरा होना नामुमकिन था। अरे, और मनु के बारे में बहुत पहले मीर तकी मीर ने कहा है कि गोश को होश के टुक खोल के सुन शोरे जहां, सबकी आवाज के पर्दे में सुखन साज है। सुखन साज मनु कोहली। वाह, थैंक यू गौहर अंकल। आई मीन आप, यू ऑलवेज से सच लवली थिंग्स अबाउट मी दैट आई ऑलवेज होप दैट आई डोंट डिसअपॉइंट यू व्हेन आई सिंग। सो आज मैं आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन ये कर रहे हैं। मैं गाती नहीं हूँ प्रोफेशनली जैसे गौहर अंकल ने कहा, लेकिन मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का ही हिस्सा हूँ और पिछले आई थिंक 21 ईयर्स से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और गाती रही हूँ अनहद के प्लेटफॉर्म पे। आज भी मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की कुछ नज़में गा रही हूँ, शायद इनमें कुछ
एक आध नज्म वो हो जो पहले नहीं गाई है मैंने, और कुछ वो होंगी जो आप लोगों ने सुनी होंगी, जो आप रेगुलरली अनहद में आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस नज्म जो मुझसे नहीं सुनी किसी ने, लेकिन आई एम श्योर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में, जिसने ये नज्म ना सुनी हो. सो मैं गा रही हूँ. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा. मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में रूह को सबात, तेरी आँखों के आया दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर यू ना था, मैंने फकत चाहा था यू हो जाए, हाँ मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा. अनगिनत सदियों के तारीख बहाते तिलस्म, अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तिलस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए तू जाओ बाजार में, जिस खाक में बिखरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे, अभी दिलकश है तेरा अगर जमाने में मोहब्बत के सिवा राहते और भी हैं, वस्ल की राहत के
सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली मोहब्बत महबूब नामा। इस नज़्म को जस्टिस करने में वैसे बहुत ही लोग, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, तो ये मैंने बस इसलिए गा दी क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है इसमें तो, और मैंने मैंने ये बहुत कम गाई है नज़्म, शायद दूसरी बार गा रही हूँ अपनी जिंदगी में। जो नेक्स्ट नज़्म मैं गा रही हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैंने शायद अनहद में भी पहले गाई है, बट ये जो शायरी है आई थिंक गौहर अंकल इसके बारे में जो कहते हैं बहुत खूबसूरत कहते हैं, इट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड द स्प्लिट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो स्प्लिट हुआ था, ये तब लिखी गई नज्म है और मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये गा रही हूँ। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी कब नजर में आएगी, बेदाग सबसे ही बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सबसे ही बहार, खून के धब्बे धुलेंगे, खून के धब्बे धुलेंगे इतनी बरसातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी। दिल तो चाहा हर शिकस्ते, दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद, हम के ठहरे मदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी। थे बहुत बेदर्द नाम है हाथ में दर्द इश्क़ के, थे बहुत बेदर्द नाम है हाथ में दर्द इश्क़ के, थी बहुत बेदर्द
मेहर सुबह है थी बहुत बेमेहर सुबह है मेहर बारातों के बाद हम के ठहरे उनसे जो कहने गए थे फैज़ जा सदका की उनसे जो कहने गए थे फैज़ जा सदका की हम कही रहे सब बातों के बाद हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद फिर बने ये आशना फिर बनेंगे मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी थैंक यू मैं जो आज लास्ट नज्म प्रेजेंट कर रही हूँ वो शायद जो ओरिजिनल सिंगर हैं नयरा नूर जी उनसे ज्यादा मैंने गाई है और अनहद पे आई थिंक हर बार गाई है क्योंकि ये नज्म एक सिंबल है ऑफ ऑफ द स्पिरिट विच वी ऑल कम टुगेदर विद विद द स्पिरिट विद विच अनहद ऑर्गेनाइजेस दीज फोरम्स और ये स्पिरिट जो है आज आई थिंक हमारी कंट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि ये नज्म कितनी भी बार गाई जाए वो हर बार रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट रहेगी शायद तो मैं गा रही हूँ आज बाजार में आ जाओ चलो आज बाजार में पाब जौला चलो आज बाजार में पाब जौला चलो चश्मे नम जाने शोरी दाकापी नहीं तो हमते इश्क पोशी दाकापी नहीं आज बाजार में खाब जो चलो आज बाजार में पाग जो चलो दस्त अफशा चलो मस्त रफशा चलो खाक बरस चलो खूब दामा चलो राह तक ताहे सब शहर जाना चलो आज
आज बाजार में पाबजाना चलो, आज बाजार में पाबजाना चलो, हाके में शहर भी मजमा आम भी तेरे इल्जाम भी संगे दुष्नाम भी सुबह ना शाद भी रोजे सुबह नाद रोज नाम पाब जला चलो, पाब जला चलो आज बाजार में उनका दम साज अपने सिवा कौन है शहर जाना में अब बसफा कौन है दस्ते खात के शाह रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हमें पतल हो आया रो चलो आज बाजार में चलो आज बाजार में पाब जला चलो, पाब जला चलो आज बाजार में। Thank you for having me over, and thank you for joining us at this hour. Gohar, you are mute. Manu, एक और गाने का टाइम है हमारे पास और अच्छा? और हम सब दिल से सुन रहे हैं सिर्फ कानों से जी जी एक और गाना जी ठीक है फिर मैं वही गा देती हूँ जिसकी वजह से काफी हंगामा हो चुका है यहाँ और पाकिस्तान में दोनों जगह जरूर हम सब समझ गए ठीक है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे
जब जुल्मो सितम के कोहे गहरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गहरा, रूई के तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हिकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे, जब अर्जे खुदा के काबे से, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा मर्दूदे हरम, मसनद पे बैठाए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे
हम देखेंगे हम देखेंगे। वाह वाह वाह, मैं उन सब लोगों के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं जिन्होंने लगातार इस बीच वाह वाह लिखा है। इसके अलावा अल्फाज जरा मुश्किल से ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मनु ने, जाहिर है दोनों गायकों ने शाम बना दी, या यूं कहें सुबह बना दी, और दिन शुरू करने का इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। डर लगता है इस बात से कि हम देखेंगे जब आजकल आंख खुलती है तो, लेकिन ऐसे वक्त में मैं फिर कहूंगा कि मौसीकी हमारा साथ दे सकती है। वो वेदी हो या मनु हो, इनकी आवाज साथ दे सकती है। ये खूबसूरती घर तक, हमारे कानों तक पहुंच सकती है, इसके बावजूद कि हम एक दूसरे की शक्ल आसानी से नहीं देख पा रहे, मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे को छू नहीं पा रहे। बेहद शुक्रिया मनु। अनहद का ये प्रोग्राम, जो मौसीकी का प्रोग्राम है, वो सिर्फ यही नहीं कह रहा कि इंसानों के अंदर, समाज के अंदर डाइवर्सिटी है, बल्कि मौसीकी भी डाइवर्सिटी का नाम है। शायद अगर नेचर में डाइवर्सिटी ना हो तो मौसीकी पैदा नहीं हो सकती, और अगर सुरों में डाइवर्सिटी ना हो तब भी मौसीकी पैदा नहीं हो सकती। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि एक नौजवान हमारे बीच में मौजूद हो जो स्टूडेंट है म्यूजिक का, खुद गाना, म्यूजिक कंपोज करना और उसके साथ साथ म्यूजिक पढ़ना, ये सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार है इस स्पेस में दाखिल होने के लिए, जिस स्पेस को हम म्यूजिक कहते हैं। और ऐसे कलाकार का नाम है अर्णव शर्मा। अभी कुछ दिन पहले मैं परेशान था, हम सब सोच रहे थे कि जल्दी से एक गाना कैसे तैयार किया जाए किसानों के आंदोलन के लिए, और तब अरुणव शर्मा उठे और उन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक देने को तैयार हूं। 3-4 दिन तक दिन रात मेहनत के बाद वो एक खूबसूरत गाना तैयार हो गया। अर्णव वेलकम। हम उस डाइवर्सिटी को भी अर्णव की आवाज में सुनेंगे जिस डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे एक नया दौर म्यूजिक का, अर्णव के साथ। हेलो एवरीवन। तो मैं 3 गाने गाऊंगा आज, एंड लाइक ऑल 3 ऑफ देम रेजोनेट विद मी इन सम ऑफ द अदर वे, एंड एज इट इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे आई थिंक लाइक हाँ दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट इट। सो द फर्स्ट सॉन्ग इज कॉल्ड ड्राइड अप रिवर। Thank you.
say to the man that worry ain't meant for your hand. Movie did it for the money, the movie paid. I lost myself along the way. What if life is all about giving back the love we found? I'm so tired of the scream and shout. We're all drinking from that dried up river. We haven't talked in quite a while. It's been so long since I've seen that smile. All that weight that you carry, it ain't necessary. Maybe it's not for us to understand. What if life is all about giving back the love we found? I'm so tired of the scream and shout. We're all drinking from the dried up river. Oh, I wanna be grateful for the food on my table instead of eating each other alive. Oh, I wanna be happy. Don't you wanna be happy instead of drinking from the dried up river? Tired of the scream and shout. We're all drinking from that dried up river. Thank you. The second song is called Have You Ever Seen the Rain? I know it's been coming down for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like a water. Sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle, fast and slow. I know
can't stop, I wonder. And I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. So the third song is, I mean, it's world music day, so I thought ki, like, I'll perform a song by one of the most iconic and legendary songwriters, Bob Dylan. And so this song is called Blowing in the Wind, and I think most of you may have heard it. Must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? My friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Thank you, Gaur sir and Shabnam aunty, for inviting me for this. It's an honor. Thank you so much. Behad khoobsurat aur selection bhi kamal ka. Maine jaisa kaha ki mausiki physics ke hisab se particles ke raqs ka naam hai, उनके डांस करने का नाम है. और ये डांस जब वहशियाना न हो तो मौसीकी बनता है, जब इस डांस में हारमोनी हो तो मौसीकी बनती है. और इस हारमोनी की जरूरत है आज इस दौर में बहुत ज्यादा. से पहले कि मैं फॉर्मली शुक्रिया अदा करूं तीनों आर्टिस्ट का, हम अनम्यूट करने जा रहे हैं और ऑडियंस का शुक्रिया भी बाद में होगा. पहले ऑडियंस अगर शुक्रिया अदा करना चाहती है और हम में से कोई भी कोई कमेंट करना चाहता है तो वो इनवाइटेड है. हम इस प्रोग्राम को एक ऐसे गाने से खत्म करेंगे जो अर्णव और वेदी की
खूबसूरत आवाज और म्यूजिक का नतीजा है, पर उससे पहले आप लोगों की आवाज आर्टिस्ट के लिए, फनकारों के लिए। एनीवन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी वेल सॉन्ग ईच वन ऑफ देम। गौहर जी, रुसल और तुषार, हम दोनों लोग यहाँ पे साथ में बैठे हैं पूना से, लोकायत से, लोकायत और काफिला की तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम था। और मतलब जैसा बोलते हैं ना, स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं म्यूजिक से हम लोग, और बहुत रिलेवेंट भी था ये प्रोग्राम आज का, और मतलब इस तरह की और होने चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, और तीनों ने बहुत बढ़िया गाया, वेदी ने, मनु ने और अर्णव ने। ग्रेट। कौन, नीरज जी बोल रहे हैं? नहीं, रुशल और तुषार, हम दो लोग हैं यहाँ पे साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक स्विच ऑन रखें, बाकी जो बोलना चाहता है वो। मुझे यहाँ कमेंट्स में तो कलाकारों का शुक्रिया ज्यादा दिखाई दे रहा है बनिस्बत ऑडियंस के। Surbhi, you can unmute if you want to say something. Unmute yourself. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ जी, I found about this event आह्वान के पेज पे, और बहुत रात का वक्त बहुत खाली और सैड होता है यूजुअली, और बस ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, तो 12:15 देखा और इमिजिएटली लॉग इन किया। आई वॉज सो हैप्पी कि पहली बार वेदी दी को लाइव देखा, और उसके बाद बाकी आर्टिस्ट को सुना, और अब मन शांत है। तो मैं बहुत इन्वॉल्व, मतलब अभी नया नया शुरू किया है मैंने कबीर में इन्वॉल्व होना या म्यूजिक में इन्वॉल्व होना, तो मुझे बहुत डेप्थ नहीं समझती है, बट मेंटल हेल्थ वाइज बहुत हेल्प कर रहा है म्यूजिक भी और कविताएं भी, और बस इंस्पायरिंग था काफी कि किसी दिन शायद मैं भी ऐसे कहीं पर परफॉर्म कर पाऊं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कंडक्ट कर रहे हैं गौहर सर, वो मेरे दादाजी की उम्र के हैं और टेक्नोलॉजी का इतना इजीली यूज कर पा रहे हैं, और ऐसे सेफ लग रहा है कि कोई बड़ा मुझे दिख रहा है अपने सामने। आइसोलेशन में यूजुअली नहीं मिलते हैं लोग हर उम्र के, हर एज ग्रुप के, तो वो बहुत रिलीविंग लग रहा है आपको देखना। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। वैसे इतनी खूबसूरत आवाजों के बाद और इतने खूबसूरत गानों के बाद कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम होता है। ये सबसे मुश्किल काम मुझे दे दिया गया। रानू का मैसेज है टू अनम्यूट हर्स। आई कांट सी यू रानू, आर यू देयर? यू कैन आई थिंक रानू वांटेड टू नो। मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं शिवली हूँ, मैं भी टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, और मुझे ब्रिडेल ने काफ़ी रात में ये मैसेज भेजा, और मैं तुरंत ज्वाइन की क्योंकि मुझे गौहर जी को सुनना था, बहुत सुना है उनके बारे में, और फिर जब मुझे ये दिखा कि कुछ गीत, कुछ गाने आ रहे हैं और इस वक्त आ रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ज्वाइन किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इस वक्त जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, पहला तो एक बड़ा होप फील हुआ गानों को सुनकर यंग लोगों का, और बहुत सारे पसंदीदा गाने भी गाए जो हम एक ज़माने में इन आर टाइम ऑफ एक्टिविज्म हम लोग गाया करते थे, और वो बहुत मिस होता है यहाँ मुंबई में। दिल्ली में काफ़ी एक्टिव थी मैं, तो ये सब जगह में जाती भी थी, गाती भी थी। तो थैंक यू सो मच, आपने ये ऑर्गेनाइज किया, बहुत सुकून मिला आज और बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ, वेदी
है, अर्णव है, मनु है, तीनों ने इतना दिल से गाया कि दिल हिल भी गया और छू भी गया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बाकी दिन जो बाकी है। थैंक यू सो मच। म्यूजिक का बहुत गहरा ताल्लुक प्रतिरोध से होता है। डिफायंस म्यूजिक के डीएनए में शामिल है और इसीलिए सारे के सारे वो तानाशाह जो सबको एक सांचे में ढालना चाहते हैं म्यूजिक से, कला से, शायरी से बहुत डरते हैं। मैं रागनी हूँ और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ इतने बढ़िया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम लोग स्टेज में जाके तो, थिएटर में जाके तो ये सब गाने सुनते हैं और उसमें एक अलग ही एम्बियंस होता है, पर यहाँ पर रात के अंधेरे में और मैंने लाइट स्विच ऑफ कर दी थी, ये गानों को सुनना स्पेशली ऑन ईयरफोन, इट वॉज जस्ट अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंस। इतना बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन, इतनी बढ़िया आवाज, सारे लिरिक्स वर्ड्स का एक अलग ही महत्व हो जाता है, स्पेशली जब हमें मालूम है आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग इसको मीनिंग भी आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम इसका बहुत बढ़िया मीनिंग दे सकते हैं और समहाउ और अदर इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। खाली एक चीज मिस हो रही थी गौर जी, जो अर्णव के में नहीं थी, और वो ये कि थोड़ा म्यूजिक भी होता कभी कभी, सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सम इंस्ट्रूमेंटल, इट वुड हैव एडेड टू द एंटायर थिंग। पर वर्ड्स का भी और जो सिर्फ बिना म्यूजिक के भी जो गाया गया वो भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। थैंक यू। आजकल के दौर में साजिंदे साथ हो, म्यूजिक साथ में हो, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी स्टूडियो में जाना, वहां बैठ के रिकॉर्ड करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने शुरू में ही कहा था कि कलाकारों की जिंदगी पे बनाई है, इसलिए नहीं कि उनको कोरोना लग गया हो, बल्कि इसलिए कि उनका नाता ही टूट गया है अपनी ऑडियंस के साथ। और ये ना सिर्फ के कलाकार की जिंदगी पे बनाई है, उसकी कला पे बनाई है आज। तो ऐसे दौर में जो ऑर्गेनाइज किया है, मेरे ख्याल में इससे प्रेरणा लेके और तो बढ़ेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स लगातार ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे उनमें कमियां मौजूद हों। आपने बिल्कुल सही कहा कि कलाकार के लिए भी बिना म्यूजिक के गाना मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस दौर में जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, चाहे उसके अंदर कमियां ही क्यों ना हो। जी, किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। I think Puneet wanted to say something. Yeah, I wanted to say, I heard the lines of Bob Dylan's song, and suddenly, like, I've been hearing this song since obviously ages. And मुझे एक लाइन बड़ी पकड़ गई कि how many deaths, and I wanted to change that line and say that how many deaths will he come to know that he's doing something. आपकी आवाज चली गई। अब आपकी आवाज? Now it's come back. Yeah, I'm saying. And I was hearing the song that Arnav sang of Bob Dylan, that how many, and it had a line called "How many deaths?" Yeah. And I just wanted to change that line and say that how many deaths will he come to know that he is doing something wrong? That's all I want to say. झूठ के इस दौर में मौसीकी सच्चाई हम तक पहुंचाएगी। Brinel, your hand is up. Thanks, Puneet. Yeah, Brinel, go ahead. Brinel, unmute and go ahead. You'll have to unmute.
Yeah, I was just saying I want to thank Vedi, I want to thank Manu, and I want to thank Arnab for touching my soul. And of course, for all of you, Shabnam and Gauhar, for organizing this. You know, I was just, remembering that verse, and I was just, trying to do multitasking. And want to just reiterate, that yes, there will be singing about the dark times. And yes, there will be, even in these dark times, we will sing with hope. So thank you, everyone. Thanks. Thanks, Vimal. आप तीनों का शुक्रिया अर्णव मनु जी का. बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी अर्णव से कि क्या ये पॉसिबल है कि वो जॉन लेनन का इमेजिन थोड़ा सा गुनगुना दे अगर. ये मेरा रिक्वेस्ट है. हाँ जी बिल्कुल. Imagine all the people
मौसीकी टाइम और स्पेस की हदों को तोड़कर न सिर्फ दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है, बल्कि जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस वो इंस्पायर करती रहती है। और ये गाना जो अभी अर्णव ने सुनाया इसकी जिंदा मिसाल है। मैं अनहद की तरफ से तीनों कलाकारों का बेहद शुक्रगुजार, उन सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शाम को सुबह करने में मदद की, और कम से कम कल के दिन की बेहद खूबसूरत शुरुआत आज ही कर दी। अब हम शबनम के कहने के ऊपर वो गाना सुना रहे हैं आपको, जो अर्णव और वेदी की मेहनतों का नतीजा है, और उसके बाद शब खैर। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरह ये आता नहीं है यूज करना। फैजान, वेयर डू आई गो? मेरी स्क्रीन पे है, कहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, दिस इज द रॉन्ग बटन। स्पॉटलाइट, पहले स्पॉटलाइट हटा दीजिए अगर है अभी तो। हाँ, स्पॉटलाइट है। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड। स्पॉटलाइट हैज गॉन। यस, शेयर स्क्रीन विद साउंड, शेयर कंप्यूटर साउंड। Yes, and optimize for video. Now where do I go? I just share it? Yes, yes, just share. तो ये share में तो कहीं और पहुंच रहा है ना? नहीं, वो share का button दबाएंगे, then it will ask you to choose a window or a tab or whatever. Sorry, हमें नहीं यहाँ YouTube से है क्या? नहीं नहीं, it's on my desktop. Then you have to share your entire screen and run it on the desktop. Yes, it's done now. It's done now? Yeah. Yes. Yeah.
Child crying somewhere. दोस्तों इस गाने के साथ हम आज की दिन की शुरुआत कर रहे हैं. मैं एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खास तौर से वेदी मनु और अर्णव का शुक्रिया कि उन्होंने इस शाम को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद की. शब खैर. थैंक यू एवरीवन. रियाज तुम हो अभी? हैप्पी बर्थडे. रियाज का बर्थडे है. रियाज रोट इन द चैट दैट दिस वाज द बेस्ट बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अगर किसी ने ईमेल अपना नहीं डाला है एंड इफ यू वांट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स प्लीज यू कैन राइट इट इन द चैट.